नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फ्रेंडशिप इन प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों हम कवर करने वाले फेयर ब्रेक ग्लोबल बोन्स T20 का मैच नंबर 11, जो कि दोस्तों खेला जाएगा BAR बोन्स वर्सेस WAR बोन्स टीम्स के बीच। डे प्लान्स करेंगे इस ब्रोम फुल स्टेप इन फो दोनों टीमों के एक एक प्लेयर के स्टेट्स अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑर्डर से आपको बता दूंगा। साथ में आप देखेंगे प्लेयर बाय प्लेयर एनालिसिस और इस मैच का हमारा टीम कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है, वो भी आपको वीडियो से मिलने वाला है। दोस्तों वीडियो लाइक करके शुरुआत करना। यदि आपने अब तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाले मैचेस की वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों हमारा फाइनल अपडेट आपको मिलेगा, जो हमारी फाइनल टीम मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो आपने जल्दी से आगे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके तुरंत आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों कभी कभार लिंक और करना करें तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम पर सर्च करके चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाकर सर्च करें @RealFWB, आपको फैंटेसी इन प्रेडिक्शन का चैनल दिखेगा। 23,000 के आसपास सब्सक्राइबर होंगे, वही हमारा एकमात्र रियल चैनल है, उसी चैनल को आपने ज्वाइन करना। दोस्तों मैंने आपसे कुछ फेक चैनल भी बने हैं, तो प्लीज आप उनसे सावधान रहिएगा। रिजनेम @RealFWB देख के 23,000 के आसपास सब्सक्राइबर देख के हमारे रियल टेलीग्राम चैनल को ही आपने ज्वाइन करना है। दोस्तों बात करें मैच की, मैच मॉर्निंग में 11:45 स्टार्ट होगा और दोस्तों मैच होने वाला है कौलून क्रिकेट क्लब ग्राउंड हांगकांग के अंदर मैच खेला जाएगा। यदि बात करें दोस्तों एक पिच की, तो विकेट बैलेंस बन के अपनी टीम को क्रिएट करेगा। हालांकि दोस्तों इस ग्राउंड पे बॉलर्स को भी एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है, बहुत ज्यादा बड़े स्कोर यहाँ पे बनते नहीं है। आप 140-160 के रेंज में स्कोरिंग देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों इस ग्राउंड का जो स्क्वायर बाउंड्री है काफी छोटा है, इस टाइप का कुछ ग्राउंड दिखता है। मैं आपको बता दूं स्क्वायर बाउंड्री काफ़ी छोटी है, स्ट्रेट बाउंड्री काफ़ी लंबी है। इस वजह से उस टाइप के प्लेयर जो पुल शॉट अच्छा मारते हैं या फिर स्क्वायर में ज़्यादा बेहतर खेलते हैं, वो उनको आप अपनी टीम में रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जो सीधे बल्ले खेलते हैं उनके लिए इस ग्राउंड पर उतनी बात नहीं रहेगी, क्योंकि सीधे बल्ले में तो बाउंड्री बहुत ही बड़ी है। यदि आपने मैच लाइव देखा होगा तो आपको पता होगा यहाँ का ग्राउंड कैसा है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पहले बात करते हैं दोस्तों BAR में उसकी, तो टोटल 3 मैच खेले हैं, 2 जीते हैं 1 हारे हैं। लास्ट मैच तो टीम 10 विकेट से जीत के आ रही, मतलब बुरी तरह से सामने वाली टीम को राउंड दिया था, 10 विकेट से जीत के आ रहे हैं। इनके जो दोनों ओपनर थे लॉरेन विनफील्ड 120 पर आउट थे और यहाँ से लॉरेन वुलवर्ड 40 पर आउट थे, दोनों ही इजिली टारगेट को चेट डाउन कर दिया था जो कि 160 के आसपास था। तो टीम काफ़ी ऑन द पेपर मजबूत है और ओवरऑल जो सामने वाली टीम इस मैच में वो भी काफ़ी तगड़ी है। 4 मैच खेले हैं, 3 जीते 1 मैच इनका अबंडर हुआ, मतलब ये भी अपने सारे मैच जीत के आ रहे हैं। तो आपको एक बैलेंस टीम बनानी है। स्टार्ट करते हैं बल दोस्तों BAR बोन से, और यहाँ पे लॉरेन विनफील्ड और लॉरेन वुलवर्ड दोनों ही अच्छी बेहतरीन ऑप्शन है, दोनों के पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। लॉरेन विनफील्ड इंग्लैंड के लिए भी खेल चुकी हैं और इंग्लैंड के डोमेस्टिक में तो हमेशा अच्छा करती हैं, और वहीं लॉरेन वुलवर्ड साउथ अफ्रीका के लिए हमेशा खेलती है। दोनों ही टेक्निकल स्ट्रॉन्ग बैट्समैन हैं, विनफील्ड थोड़ा सा अटैकिंग नेचर से बैटिंग कर लेती हैं, वो वुलवर्ड थोड़ा सा धीरे खेलती हैं। इन दोनों में आप कैप्टन मैच कैप्टन कर सकते हो। कैप्टन दोस्तों विनफील्ड को मैच लिए सजेस्ट करूंगा, क्योंकि कीपिंग भी करेंगी तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर देंगी। बोवेंस मैचेस में विकेट कीपिंग से अच्छे खासे पॉइंट मिलते हैं, क्योंकि ज्यादातर विकेट वहाँ पर स्पिनर्स लेते हैं। तो मेरे हिसाब से लॉरेन विनफील्ड को आप कैप्टन मैच कैप्टन कर सकते हो। जो 3 मैच खेले हैं उन्होंने 120 नॉट आउट 54-22 किया है, वहीं लॉरेन वुलवर्ड ने 40-3-17 किया है। तो यहाँ पर विनफील्ड ज़्यादा भरोसेमंद मुझे अभी तक स्टोर्नमेंट में दिखी है, तो CBC के भी अच्छे ऑप्शन है। वुलवर्ड को ग्रैंडली कैप्टन मैच कैप्टन जरूर कर लीजिएगा। नंबर 3 बैटिंग ऑर्डर रहेगा निगर सुल्ताना के, लास्ट गेम में बैटिंग नहीं आई थी क्योंकि इनके ओपनर्स ने ही गेम फिनिश कर दिया था, लेकिन नंबर 3 पे खेलते हुए नजर आएंगे। उससे पहले जो 2 मैच खेले थे 40-1 किया था, इस सीरीज से पहले जो उनका प्रदर्शन था ठीक ठाक था, बांग्लादेश के लिए खेलती हैं। नंबर 4 बैटिंग ऑर्डर रहेगा कविसा इगोटेक का, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है, UAE की प्लेयर है, लेकिन UAE के लिए जब खेलती हैं बॉलिंग नहीं करती, लेकिन लास्ट के 2 मैच इनको लगातार 4-4 ओवर मिल रहे हैं, जिसमें से पहले मैच में 3 विकेट निकाले थे और 17 रन बैटिंग्स किए थे और पहले मैच में इन्होंने 30 रन बैटिंग्स किए थे, लेकिन लास्ट के 2 गेम्स में इनको बॉलिंग भी मिल रही है, जहाँ पे 4-4 की पूरी बॉलिंग मिल रही। हालांकि दोस्तों इनसे बॉलिंग से ओवर कभी भी कर सकते हैं, मैं चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, लेकिन बैटिंग सेक्शन से अपनी टीम में एज प्लेयर जरूर रखिएगा। CBC के लिए मैं अभी सजेस्ट नहीं करूँगा, इसलिए क्योंकि बॉलिंग का कोई 100% सर्टन नहीं है, लेकिन एज प्लेयर जरूर रख लीजिए, क्योंकि यदि कुछ ओवर की बॉलिंग करेंगे प्लस नंबर 4 पर बैटिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉइंट आपको जरूर देखे जाएंगे। नंबर 5 बैटिंग ऑर्डर रहेगा एस कैपबेल का, जो कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर है, लास्ट गेम में बैटिंग ही नहीं आई थी और लास्ट गेम में तो लगभग किसी की बैटिंग नहीं आई सिर्फ ओपनर को छोड़ के। उसके पहले 10 किया था, उसके पहले 33 किया था, अटैकिंग इनिंग्स खेल सकती हैं नीचे आके, तो यदि इनकी टीम पहले बैटिंग करे तो एक आध जेल में ट्राई करें, नहीं तो छोड़ देंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि वो विकेट कीपिंग करेंगे नहीं और बैटिंग ऑर्डर नीचे रहेगा। रॉबर्ट एवरी को आप छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है, बहुत नीचे खेलेंगे और स्टेट सीरीज के पहले तो अच्छे तरीके क्या मतलब जितना नीचे खेलेंगे तो ज्यादा बैटिंग ही नहीं आएगी, आप छोड़ सकते हो। किनू गिल हांगकांग के प्लेयर है, मीडियम पेस बॉलर है, राइट हैंड बैट्समैन है, लेकिन इस लेवल पे मैं इसको हमने कल इनके स्टेट्स देखे, बहुत लोगों ने लिया होगा, हो सकता है आपके अपोनेंट में कल जब खेली थी बिल्कुल भी मैंने इनको अपनी टीम में नहीं लिया था, आप कल जाकर टेलीग्राम पर टीम चेक कर सकते हो। उसका कारण था हांगकांग के प्लेयर है, हांगकांग का प्लेयर इस लेवल पर आके इतना ही अच्छा परफॉर्म करे बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर सारे सीनियर्स प्लेयर खेल रहे हैं, अच्छे लेवल के प्लेयर खेल रहे हैं, जो कि टॉप की कंट्री है बोन्स मैचेस की। तो यहाँ पर देखा जाए तो किनू गिल ठीक ठाक से ऑप्शन है, जीएल में ट्राई करेगा, एक ही ओवर मिला बॉलिंग का कोई भरोसा नहीं कितना ओवर मिलेंगे, और बैटिंग से इनकी टॉप ऑर्डर में जगह बनती नहीं है, नीचे बैटिंग से हो सकता है उतना मौका ना मिले। इस सीरीज पर जो हांगकांग के डोमेस्टिक विंडो मैचेस खेलते हैं वहां पर इनके बैटिंग बॉलिंग स्पेशली बैटिंग से स्टैट्स अच्छे थे, तो बैटिंग उतना मिलेगा नहीं, बॉलिंग से वैसे भी डोमेस्टिक में कुछ नहीं कर पा रहे थे। लास्ट के 4 मैच खेले थे हांगकांग के अंदर डोमेस्टिक में, इनके नाम सिर्फ 1 विकेट था,
तो इसलिए आप कह सकते हैं बॉलिंग से डोमेस्टिक में उतना अच्छा नहीं करके आ रही है, तो बॉलिंग यहाँ ज़्यादा मिलेगा नहीं। बैटिंग से अच्छा करके आ रही है, लेकिन बैटिंग से यहाँ पे टॉप ऑर्डर पर इनके पास ऑलरेडी बड़े बड़े प्लेयर हैं कि इनकी ज़्यादा जगह नीचे ही बनेगी। तारा नोर्स बहुत अच्छी लेफ्ट आर्म पेसर है, अभी WPL के अंदर इंडियन खेल रही थी तो वहाँ पर इनका परफॉर्मेंस देख सकते हैं। लास्ट के 4 गेम उतने अच्छे नहीं गए थे, लेकिन उसके पहले एक गेम में 5 विकेट भी ले गई थी। अच्छा पेस रहता है, लाइन लेंथ बहुत ही सटीक है, और यहाँ पर भी आपको 4 ओवर पूरे डालते हुए दिखेंगे। 3 मैच हुए हैं, लास्ट के 2 गेम में 1 विकेट निकाला, जो पहला मैच खेलती हूँ वह 2 विकेट निकाले थे, 17 रन बैटिंग से किए थे, तो थोड़ा हिटिंग कर सकते हैं, प्लस 4 ओवर पूरे डालेंगे तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। फातिमा साना को बॉलिंग फर्स्ट में ले लीजिएगा, क्योंकि आपको डेथ में बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे तारा नोरिस के साथ। फातिमा साना बहुत अच्छी बॉलर है, पाकिस्तान के लिए भी डेथ बॉलिंग करती हैं। लास्ट गेम में 1 विकेट निकाला, उसके पहले बीच में 2 ओवर डाले थे, लेकिन पहले गेम में भी 4 ओवर डाले थे। 3 मैच में टोटल 10 ओवर डाले, लेकिन आप इनसे बॉलिंग फर्स्ट में 4 ओवर जरूर देखेंगे। साथ में थोड़ा बैटिंग आगे तो बल्ला भी चला सकते हैं, लेकिन बैटिंग शायद नहीं आएगा, लेकिन हाँ बॉलिंग से आपको जरूर 4 ओवर डालते हुए देखेंगे, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट। रोबीना छेत्री नेपाल से आती, ओवरऑल एवरेज ऑप्शन नहीं, आप छोड़ सकते हो, और बॉलिंग से कभी भी इनके ओवर भी कर सकते हैं, और एवरेज पिक है, बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है। लौरा कार्डोसो की बात करें, ये ब्राजील के प्लेयर हैं, लेकिन दोस्तों बॉलर बहुत अच्छी हैं। लास्ट गेम में 4 ओवर डाले, विकेटलेस रहे, उसके पहले 4 ओवर डाल के 2 विकेट, लास्ट के 2 गेम से लगातार 4 ओवर डाले। बॉलिंग फर्स्ट में ट्राई कर सकते हो, ज्यादा बेहतर ऑप्शन नहीं है, शुरुआती ओवर पेसर्स को मदद रहेगी। दियंद्रा डॉटी लास्ट मैच खेले नहीं थी, रुमाना अहमद भी नहीं खेली थी, लेकिन ये दोनों आएंगी तो सीधे सीधे इन दोनों को रख लीजिएगा, फिर आप इन्हें सीवी से भी कर सकते हैं। लास्ट मैच में दोस्तों BR बोन्स का यही प्लेइंग 11 देखने को मिला था, यही बैटिंग ऑर्डर था। कुछ भी चेंजेस होंगे इस मैच में, कोई भी अपडेट आएगा, जो भी हमारी फाइनल टीम रहेगी, सब कुछ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। डिस्क्रिप्शन पहले कमेंट में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके तुरंत टेलीग्राम से जुड़ जाएं। ऑलरेडी वहाँ पे 23,000 से ज्यादा दोस्त जुड़ चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम के साथ साथ इंस्टाग्राम ट्विटर का भी लिंक मिलेगा, वहाँ भी आप हमें फॉलो कर लीजिए। दोस्तों WR बोन्स ने 4 में से 3 जीते हैं, 1 मैच इनका बंद हुआ, सारे मैच अपने जीत के आ रहे हैं। टीम की तरफ से आपको ओपनिंग करते दिखेंगे, इली जॉनसन इनके साथ ओपन करने आएंगे पिलिचफील्ड। बात करें दोस्तों इली की, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है, अच्छी बल्लेबाज है, ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक में अच्छा खासा स्कोर करती हैं। लास्ट के 2 गेम खेले हैं, जो 40 और 38 किया है। पहले गेम में इनकी बैटिंग नहीं आई थी, क्योंकि दोस्तों पहले गेम में ओपन किया था लिचफील्ड के साथ हेली मैथ्यूज ने। मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ इस टीम के लिए, यहाँ पे हेली मैथ्यूज ने ओपन किया था पहले मैच में, लेकिन लास्ट के 2 मैच हेली मैथ्यूज खेल नहीं रही, तो इसलिए यहाँ पे ओपन करने आ रही हैं, आपको दिख रही होंगी एली जॉनसन। लेकिन यदि हेली मैथ्यूज खेल जाती हैं तो हेली मैथ्यूज यहाँ पे लिचफील्ड के साथ ओपन करेंगी, फिर यहाँ पे इली का बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे चला जाएगा। तो यदि मैथ्यूज खेल जाए तो इली को फिर आप मत लीजिएगा, मैथ्यूज नहीं खेलती तो इली को रख लीजिएगा, क्योंकि तभी ओपन करते हुए नजर आएंगे लिचफील्ड के साथ। दोनों ही काफी तगड़ी प्लेयर हैं, ओपन में मौका मिला तो काफी अच्छे किया है इन्होंने, 38 और 40 के 2 अच्छे स्कोर है। तो मेरा सजेशन है खेलते हैं, जरूर ट्राई करें, अच्छे बल्लेबाज हैं। लिचफील्ड फर्स्ट टॉपिक रहेंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन बहुत अच्छे ऑप्शन है। लास्ट गेम में 0 पे गई थी, ध्यान दीजिएगा, 0 वाला प्लेयर स्पेशली हीरो बन जाता है कभी कभार। हालांकि उससे पहले जो 2 गेम खेले थे 32 और 70 के अच्छे स्कोर थे। इस सीरीज से पहले यदि आप जाएंगे आखिरी गेम के 5 मैच देखने, 57, 46, 9, 67, 78, यानी आखिरी के 5 में से 4 बड़े स्कोर हैं। यहाँ पे जो 3 मैच खेली हैं 2 बड़े स्कोर हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन की कमाल के ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक में बहुत बड़ा नाम है और हमेशा अच्छा करती हैं। कुछ मैचेस उन्हें ऑस्ट्रेलिया के लिए भी खेले हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए हमेशा खेलने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि उनका मतलब ओपनर उनके फिक्स हैं हैली और बेथ मूनी, तो इस वजह से मौका नहीं मिलता, लेकिन किसी और कंट्री में होती तो शायद हमेशा खेलती। बहुत ही टैलेंट की कोई कमी नहीं है, जब आप उनको लाइव बैटिंग करते हुए देखेंगे तब आपको पता चलेगा, काफ़ी बढ़िया प्लेयर है। बस थोड़ा सा मतलब उतना भरोसेमंद नहीं है, कभी कभार बड़े शॉट खेलने के चक्कर में विकेट फेंक देती हैं, लेकिन हैं तो टेक्निकली सॉलिड बैट्समैन, यदि अपने पोटेंशियल पे खेलें तो अच्छा स्कोर कभी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मस्ट है, कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप चाहो तो बना सकते हो। नंबर 3 बैटिंग ऑर्डर रहेगा मिगोन डू प्लेसिस का, जो कि काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है, साउथ अफ्रीका के लिए भी खेल चुकी हैं। लास्ट के जो 3 गेम खेले हैं 27, 6 और 9 किया हुआ है। इस सीरीज से पहले ठीक ठाक स्टार्ट से बैटिंग फर्स्ट में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि लास्ट मैच भी नंबर 3 पे आई थी, उसके पहले जो शुरुआत में 6 और 9 की थी नॉट आउट काफी नीचे खेले थे, नहीं नंबर 3 आएंगे तो कोई भी अच्छा कर सकती हैं, तो जेल में जरूर ट्राई कर लीजिएगा। तानिया रूमा लास्ट गेम में 2 रन की, इस सीरीज पहले कुछ खास उतना स्टैट्स अच्छे नहीं थे। PNG के प्लेयर है, पपुआ न्यू गिनी, वहाँ पे वैसे भी क्रिकेट मतलब कहाँ आप समझ सकते हैं, उस लेवल से आगे प्लेयर यहाँ परफॉर्म करेंगी, आप छोड़ दीजिएगा, बैटिंग ज़्यादा उम्मीद नहीं करिए। सिंधु श्रीहर्षा ठीक ठाक ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको इनसे बेहतर ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आप एक आज जेल में रोटेट करें, नहीं तो आप छोड़ दीजिए। बात करें दोस्तों यहाँ पे कैथरीन प्राइस की, ये बहुत अच्छी पेसर है, देश में कन्फर्म डालेंगे इस टीम के लिए। लास्ट गेम में 4 ओवर डाल के 1 विकेट निकाले, उसके पहले 4 ओवर 2 विकेट, उसके पहले 4 ओवर 3 विकेट, तीनों मैच में इनका विकेट है, 3 मैच में टोटल 6 विकेट ले चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, आप इनसे 4 ओवर की पूरी बॉलिंग देखेंगे, तो आप इनको अपनी टीम में जरूर रखिए। कैप्टन वाइस कैप्टन यदि आप किसी बॉलर्स को बनाना चाहो तो कैथरीन प्राइस बहुत अच्छी ऑप्शन है, स्पेशली ग्रैंड लीग के अंदर, और बॉलिंग फर्स्ट में तो जरूर बनाइएगा। बात करें दोस्तों अमांडा वेलिंगटन की, लेग ब्रेक बॉलर है, बहुत अच्छी बॉलर है, और ऑस्ट्रेलिया डोमेस्टिक में अच्छी विकेट लेती हैं। WBBL भी खेल चुकी हैं, लास्ट गेम में 4 ओवर डाल के 3 विकेट निकाले, उसके बाद 4 ओवर 0 विकेट, उसके बाद 4 ओवर 2 विकेट, टोटल 3 गेम में इनके नाम भी 5 विकेट हैं, ये भी आपको 4 ओवर डालते हुए नजर आएंगे तो जरूर ट्राई करेगा। इसे रोहित ओझा की बात करें, ऑफ ब्रेक बॉलर, थोड़ा बैटिंग से बैकअप दे सकती हैं, 3 से 4 ओवर डालेंगे, 2 मैच में 3-3 ओवर, 1 मैच में 4 ओवर, तीनों मैच में से 2 मैच में इनको 1-1 विकेट मिला है, एटलीस्ट 1 विकेट जरूर आपको देखे जाएंगे, तो अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक कर सकते हो, ठीक ठाक ऑप्शन आएंगे। जेस कर की बात करें, लास्ट गेम में 4 ओवर डाले विकेटलेस, उसके बाद 4 ओवर 2 विकेट, उसके बाद 3 ओवर 1 विकेट, तो आप इनसे 3 से लेकर 4 ओवर की बॉलिंग देख सकते हैं।
न्यूजीलैंड के लिए भी खेल चुके हैं और अच्छी बॉलर हैं, टेस्ट में डालती हुई नजर आएंगी। यहाँ पे तो अपनी टीम में जरूर ट्राई किया जेस्कर और यहाँ पे कैथरीन प्राइस, लास्ट मैच खेला गया था इन दोनों ने, टेस्ट में बॉलिंग की थी। आखिरी के जो तीन थे तो आखिरी के तीन में से दो और ब्राइस ने डालते, दो और केन ने डालते, आखिरी के चार में बात करेंगे तो दो दो दोनों ने डालते, तो अच्छी बॉलर है, जरूर ट्राई करिए। इन दोनों को जरूर रखना है, स्पेशली टीम पहले बॉलिंग करे, और ऐसे अमांडा वेलिंगटन, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। नीचे समीय को नई बॉल से बॉलिंग डालेंगे, लास्ट गेम में दो विकेट था, बीच पहले गेम खेलते हुए दो बार डालते, ग्रैंड लीग ट्राई करेगा। अलीसन से मुझे कुछ खास लगी नहीं दोस्तों, बेंच में जो प्लेयर हैं वो लोग आपको शायद खेलते हुए यहाँ पे ना दिखें, और सेम प्लेइंग इलेवन यहाँ पे देख सकता है डब्ल्यू आर बम्स का, क्योंकि इसी लाइनअप के साथ ही लोग लास्ट में जीत के आ रहे हैं। दोस्तों इस मैच का टीम क्या, चलिए हम टीम देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं आपको जो फाइनल टीम मिलेगा ना टॉस के बाद आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। ऑलरेडी वहाँ पर दोस्तों 23,000 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं, आपने ज्वाइन नहीं किया तुरंत ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में पहले कमेंट में लिंक मिल जाएगा। यदि आपने अब तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो चैनल पर मिलेंगे। तो दोस्तों इस मैच का टीम क्या है, चलिए हम टीम देखते हैं। दोस्तों क्रिकेट बैटिंग सेक्शन में लॉरेन बिलफिंड के साथ जा रहा हूँ, स्मॉल लीग में मस्ट हैव पिक मिगुन डुप्लीज हो गए, कैबल हो गए, श्रीहर्षा हो गए, तीनों को आप एक एक करके रोटेट कर सकते हो। यदि आप एक कीपर लेना चाहें तो बिलफिल्ड सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। बात करें दोस्तों बैटिंग सेक्शन की, तो लॉरा ओरवर्ड मस्ट हैव पिक, यहाँ से लिचफील्ड में मस्ट हैव पिक, एली जॉनसन को तब लेना जब हेली मैथ्यूज नहीं खेले, क्योंकि ओपन करेंगे तो अभी के लिए मैंने अपनी टीम में लिया हुआ है। यदि हेली मैथ्यूज खेलेंगे तो इनकी जगह सीधे सीधे यहाँ से बैक आके यहाँ से हेली मैथ्यूज को ले लेंगे, तो जो भी खेलेगा ओपन करेगा उसको हम पिक कर लेंगे। बाकी नीचे दोस्तों मैंने यहाँ से के कुमारी इकोडक को लिया हुआ है, जो बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रहे हैं। टी रूमा ऐसे एरबी वगैरह उतनी कुछ खास है नहीं, निगर सुल्तानों को उनकी टीम पहले बैटिंग करे तो ग्रैंड लीग के अंदर ट्राई कर सकते हैं। बात करें ऑलराउंडर सेक्शन की, तो ऐसे दोस्तों तीनों प्लेयर्स टॉप के हैं, डॉटिन, मैथ्यूज, सीवर, लास्ट मैच से कोई नहीं खेलते इसलिए हम तीनों को नहीं ले रहे हैं। बाकी यहाँ से हमारी टीम में रहने वाली हैं कैथरीन ब्राइस, जो कि मस्ट हैव पिक, डेथ में डालेंगे इस टीम के लिए, फातिमा साना, दोनों ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, दोनों ही अच्छे बॉलर हैं। ऐसे में दोस्तों एल कार्डोसो को लिया हुआ, ये भी इनका मात्र 18% सिलेक्शन है, तो ब्रेजिल से, लेकिन चार चार ओवर की बॉलिंग लगातार दो मैच से कर रहे हैं, इसलिए मैं पिक करके जा रहा हूँ। और यहाँ से आठ छत्री किनुगुल, किनुगुल हांगकॉन्ग से हैं, छत्री नेपाल से हैं, और यहाँ से ई रोहित ओझा यूएई से हैं, इन तीनों को आप एक करके रोटेशन में ट्राई कर सकते हो, स्पेशली ओझा को ग्रैंड लीग में जरूर रोटेट कर लीजिएगा। बात करें बॉलिंग सेक्शन की, यहाँ से नॉर्ज तारा नॉर्ज मस्ट हैव पिक, अमांडा वेलिंगटन भी मस्ट हैव पिक, और ऐसे जेस्कर भी इंपॉर्टेंट है, सभी में कॉर्नर ठीक ठाक ऑप्शन रहेंगे, बॉलिंग फास्ट में ट्राई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे कोई उतना अच्छा ऑप्शन है नहीं। बात करें कैप्टन वर्स कैप्टन टीम की फाइनल प्रीव्यू की, दोस्तों कैप्टन ने किया हुआ ऐसे लॉरेन बिनफील्ड को, वाइस कैप्टन दोस्तों हैं मेरी पी लिचफील्ड, दोनों ही कमाल के बल्लेबाज हैं, टेक्निकल स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है। लॉरेन बिनफील्ड को कैप्टन करने का कारण है क्योंकि दोस्तों ये ओपन करेंगे साथ में विकेट कीपिंग करेंगे तो वहाँ से भी कुछ पॉइंट देंगे और कमाल के फॉर्म में, इसलिए मेरे कैप्टन है। लिचफील्ड एकदम भरोसेमंद प्लेयर है, इस सीरीज से पहले भी जबरदस्त इनका फॉर्म था, इसलिए मैं इनको वाइस कैप्टन करके जा रहा हूँ। यदि आप किसी बॉलर्स में से भी करना चाहो तो आप यहाँ से ब्राइस को कर सकते हो, इनकी टीम पहले बॉलिंग करे, नॉरिस को कर सकते हो, इनकी टीम पहले बॉलिंग करे, अमांडा वेलिंगटन बहुत अच्छी लेग ग्रुप बॉलर है, आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, जेस्कर को ग्रैंड लीग में से भी कर सकते हो, ऐसे बॉलर जो चारों पूरे डाल के देंगे तो लोगों को जेल में सीबीसी कर सकते हैं। बाकी बैटिंग से मैंने आपको बता दी, ये दोनों बेस्ट बैट्समैन हैं, लॉरा ओरवर्ड भी एक अच्छी बैट्समैन है, आप इनको भी ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। इस मैच में ऑलराउंडर्स नहीं मिलेंगे आपको सीबीसी करने के, यदि आपको सीबीसी करना है तो प्रॉपर बॉलर एवं प्रॉपर बल्लेबाज में करने होंगे। बाकी स्मॉल लीग की टीम में रही रहने वाला है और अब इसी टीम से मैं स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर रहा हूं, हालांकि टॉस के बाद लाइन आने के बाद कोई भी ऑलराउंडर प्लेइंग इलेवन में आ जाता है तो उसको अपनी टीम में हमें लेना है कि नहीं लेना है, कैप्टन वाइस कैप्टन किसे बनाना है, जो भी अपडेट होगा, जो भी मेरी फाइनल टीम होगी, जिस टीम से मैं खेलूंगा मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, यहाँ पर जुड़ना बिल्कुल फ्री है। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आपने ज्वाइन हो जाना है। ऑलरेडी दोस्तों हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे 23,000 से ज्यादा दोस्त ज्वाइन हो चुके हैं, बिल्कुल फ्री है, तो हर कोई जुड़ के फायदा उठा रहा, आप नहीं जुड़े हो तो आप सच में बहुत पीछे हो। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, फर्स्ट कमेंट में भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आपने ज्वाइन हो जाना है। टेलीग्राम के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम ट्विटर का भी लिंक मिलेगा, उसके बाद आप हमें वहाँ भी फॉलो कर लीजिए। बाकी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था प्लीज यार सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लेना, थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो वॉच करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।